नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। आपने पिछले लेक्चर में किया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्ट आरएलसी, जिसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों थे, एलसीआर सर्किट जिसको हमने कहा था। जेड क्या आया था वहाँ पर आपके पास? व्हाट वाज जेड? जेड वाज अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्केयर प्लस आर स्केयर। अब आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर है, जिसमें क्या है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टर है मतलब एक्सएल है और आर है, एक्सी नहीं है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने पूरे एक्सप्रेशन में से ना जेड के एक्सप्रेशन में से एक्सी को ख़त्म कर देना। तो जेड क्या बन जाएगा? आर स्केयर प्लस एक्सएल का होल स्केयर। और टेन फाई क्या आया था आपके पास? टेन फाई आया था आपके पास पिछले टॉपिक में। वॉट वॉज टेन फाई? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब एक्सी तो है ही नहीं, तो एक्सी को जीरो पुट कर दो तो एक्सएल बाय आर बन जाएगा। ट्रायंगल क्या बन जाएगा? बी एल माइनस वी सी था, यहाँ पर वी सी ख़त्म हो गया, बी एल अपॉन आर आ जाएगा। बी एल अपॉन वी आर मतलब ये बी एल बच जाएगा सिर्फ। ट्रायंगल में क्या था ये? तो वी सी ज़ीरो हो गया, तो वी एल अपॉन वी आर आ गया टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी एल क्या था? आई एक्सएल। और वी आर क्या था? आई आर। तो आई से आई कैंसिल, एक्सएल बाय। तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, मतलब आपने किसको ज़ीरो करना है? एक्सएल को ज़ीरो करना है। तो इस एक्सप्रेशन में आप क्या करोगे? एक्सएल को ज़ीरो कर दोगे। एक्सएल को ज़ीरो करोगे तो क्या आएगा आपके पास? जेड स्क्वेयर प्लस एक्सी का होल स्क्वेयर। और टेन फाई क्या आ जाएगा? टेन फाई क्या था आपके पास? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो क्योंकि अब इसमें एक्सएल ज़ीरो करना है तो बन जाएगा टेन फाई आ जाएगा माइनस एक्सी बाय आर। ओके, माइनस एक्सी बाय आर था ना, तो वी सी रहेगा आपके पास। वी एल तो ज़ीरो हो गया, अब यहाँ पर वी सी नीचे की तरफ था, ये वी सी बचा इम्पिडेंस ट्रायंगल में, ये वी सी हो जाएगा, ये वी आर हो जाएगा, तो जेड बचा। इधर क्या बचा? आई एक्स सी आई आर। ओके, सो दिस वॉज, आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास रेजिस्टेंस के इंडक्टर वाला है तो उसमें कैपेसिटेंस को ज़ीरो कर दो सारे एक्सप्रेशन में। और अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है, इंडक्टर को ज़ीरो कर दो इस एक्सप्रेशन के अंदर, बाकी सब सेम रहेगा।